हेलो क्लास हिलके जी सब्जेक्ट बच्चा आपका मैथमेटिक्स और इसमें देखिए आपका चल रहा है रिवर्स काउंटिंग ओके चैप्टर नंबर 17 चैप्टर 17 और पेज नंबर आपका फोर्टी सिक्स तो फोर्टी सिक्स पेज नंबर ओपन कर लीजिए ठीक है तो इसमें मैंने आपको रिवर्स काउंटिंग बताई थी ओके okay. यहाँ ये पिक्चर बनी है इनको काउंट करके और आगे हमको इनके नंबर्स लिखने थे ओके okay? तो यहाँ पे देखो आपने लिखे टेन मैंगो हैं ओके नाइन थर्मस और एट काइट और फ्लैग है सेवन और ये गिफ्ट देखे सिक्स यहाँ पे देखिए फाइव फोर थ्री टू वन ओके तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया था टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ओके अब देखिए आके पेज नंबर फोर्टी सेवन ओपन कर लीजिए पेज नंबर फोर्टी सेवन ओके इसमें कॉलम बना है और यहाँ पे क्या लिखा है राइट फ्रॉम टेन टू वन राइट फ्रॉम टेन टू वन ओके यहाँ पे क्या करना है आपको सबसे पहले लिखना है टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ओके इस तरीके से इसको लिखना है अब देखो आपको क्या करना है इसको कॉपी में अब आप, आपका जो कॉलम बने हैं उसमें टेन से स्टार्ट करना है टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन six, five, four, three, two, और आगे पूरे पेज में इसी तरीके से आपको इनको लिखना है राइट फ्रॉम टेन टू तो वन ओके टेन टू तो वन तक आपको क्या करना है रिवर्स काउंटिंग लिखनी अपनी कॉपी में पूरे एक पेज में आपको इसको करेंगे देखिए यहाँ पे राइट द मिसिंग नंबर ठीक है ना राइट द मिसिंग नंबर यहाँ पे टेन है एट सिक्स फोर टू तो टेन से पहले क्या आता है नाइन फिर आए एट एट से पहले सेवन सेवन से सिक्स पह, uh, से पहले फाइव फिर फोर आया फोर से पहले थ्री टू टू से पहले वन तो बन गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ओके अब देखिए इसमें नीचे यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे मिसिंग नंबर फिर यहाँ पे नाइन लिखा है सेवन फाइव थ्री वन ओके फिर यहाँ पे आएगा टेन एट सेवन सिक्स फोर और टू फिर हो गया आपका टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है अब देखिए यहाँ पे दो नंबर्स लिखे हैं एट और फोर ठीक है तो यहाँ पर आएगा आपका टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है ना तो ये आपको दिया है टेन टू वन के मिसिंग अंदर से जो रिवर्स काउंटिंग में मिसिंग नंबर दी हैं ओके तो इनको आपको इसी तरीके से अपने जो ये बुक्स हैं इसमें करना है पेज नंबर फोर्टी सेवन पर और इसी तरीके से आपने अपनी कॉपी पे भी इसको करना है इस एक पेज में इसको लिखेंगे और फिर इसी तरीके से इनको भी अपनी कॉपी पे आप करिएगा